इसके लिए हमें चाहिए एक कप बंद गोभी, थोड़ा सा धनिया पुदीना और एक हरी मिर्च, एक कप शिमला मिर्च, एक कप आलू, एक कप चिकन का कीमा और लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच। इसमें मसाले हम डालेंगे क्योंकि रमज़ान है तो हम ज़्यादा मसाले नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसमें हसबे ज़ायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा पिसी हुई काली मिर्च। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस डालेंगे। और इस समोसे को बनाने के लिए हमने ली है तैयार बाज़ार की पट्टियाँ। तो चलते हैं कुकिंग की तरफ। एक पैन में आप 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लें। अब हम ऑयल गर्म करने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा गर्म हो जाए डालेंगे। एक चिकन का कीमा, आप चाहें तो छोटी छोटी बोटियाँ भी दे सकते हैं। और हसबे ज़ायका कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च डाल देंगे। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि कीमा है, फौरन गल जाता है। अब हम इसमें अपने आलू डालेंगे। ये 1 कप आलू है तकरीबन, 2 मैंने छोटे साइज के आलू लिए। इसको थोड़ी देर पकाएं, तकरीबन 1 टीस्पून। और थोड़ा सा चिली सॉस, अपनी शिमला मिर्च डाल देंगे, आँच थोड़ी मीडियम कर लेते हैं। अब इसमें बंद गोभी ये कश लेंगे बिल्कुल बारीक। तकरीबन 2 टेबल स्पून है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद हम अपना समोसे का प्रोसीजर करेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे समोसे बना लेंगे और